आज हमारे जिले मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह जी तोमर और जितेंद्र कुमार जी लक्ष्मी नगर जल्दी ऊपर आए सोल्डर करके स्वागत है कि वो इस कार्यक्रम को सफल बना। उसके बाद मेरा सभी से नम्र निवेदन है जिनका मैं नाम लूं वही स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। विश्व को आलोकित करने वाले 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु। तो हमें आशा है कि वो हमारा जो भी पूरा कार्यक्रम है त्रिलोक तीर्थ धाम में मैं आकर बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। इस तीर्थ की स्थापना परम पूज्य जैन संत विद्याभूषण सन्मति सागर जी ने की। यह तीर्थ इस क्षेत्र का बड़ा और महत्वपूर्ण तीर्थ है। इस तीर्थ पर आज लाइट एंड साउंड कार्यक्रम जिसे केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया है, यह कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है, नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने वाला है और इससे इस ग्रामीण क्षेत्र में आध्यात्म पर्यटन भी बढ़ेगा जो रोजगार के अवसरों को भी सृजित करेगा। मैं इस मौके पर इस धाम के जो सभी व्यवस्था से जुड़े बंधु हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से इस क्षेत्र के सांसद माननीय सत्यपाल सिंह जी जिन्होंने यह प्रयत्न किया, उनका प्रयत्न आज सफल हुआ और एक अच्छी श्रुति आज बन गई है। इसके लिए मैं सत्यपाल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। सबरीमाला मंदिर में आज भी कुछ महिलाओं को जाने से रोक दिया गया है। सचिन सुप्रीम कोर्ट के मंदिर बैठिया तो फैसला है उसका इंप्लीमेंट तो सारी इंतजार करके मैं तो बैठा। वो राज्य सरकार उस मामले में चर्चा कर रही होगी क्योंकि इस प्रकार के सभी विषय राज्य सरकार के द्वारा ही इम्प्लीमेंट होते हैं। ने कोई इस मामले में विचार किया है किस तरीके कदम उठाए जाएंगे क्योंकि सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के लिए कहा है। श्री राम मंदिर के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वह सर्वसम्मत फैसला है, भारत की एकता को मजबूत करने वाला है और भारत के करोड़ों करोड़ जनमानस ने उसको अपना समर्थन प्रदान किया है और मैं समझता हूँ कि आने वाला कल अच्छा होगा।